नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 1978 की एक फिल्म थी, बहुत ही हिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। इसके कई गाने बहुत ही उस समय हिट हुए थे और उन्हीं में से एक अमिताभ जी के और रेखा के ऊपर फिल्म आया हुआ यह गीत सलामे इश्क मेरी जान। तो बहुत ही अपने समय का ये पॉपुलर गाना था। तो इस गाने की किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ का गाना है, अनजान ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। तो इस गाने की कुछ लाइनें आज हम बजाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही फन के लिए, अपने आनंद के लिए। सिंप्लीफाइड जो वर्शन है उसमें से कुछ लाइनें हम इसको आज कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा गीत है, आपको पसंद ज़रूर होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बजा कर दिखाता हूँ और उसके बाद इस गाने की कुछ लाइनें हम सीखते हैं। इस तरह से है और उसके आगे थोड़ा अंतरा पार्ट। कुछ इस तरह से बजेगा। तो चलिए पहली लाइन से शुरू करते हैं। सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो। सलामे इश्क मेरी जान, ध नोट से बजा रहे हैं हम लोग। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं कि सी की क्या हारमोनिका के रेफरेंस से नोटेशंस लिख रहे हैं, जिसमें सी सा है, डी रे है, ई नोट जो है वो ग है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। हालांकि किसी गाने का सा अलग भी हो सकता है, लेकिन हम ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं समझने के लिए। तो चलिए ध नोट से, जो इंग्लिश के हिसाब से ए का नोट है, वहाँ से। धनी सा नि धनी सा, जरा कबूल कर लो। नि धनी सा 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 सा, धनी सा 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 सा। अगली लाइन फिर उसी तरह से। तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। धनी सा निधनी सा निधनी सा 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 सा, मेरा दिल बेचैन है। धा धा धा
धा धा धा पा मा 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 पा। उसके आगे मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, दो बार धा 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 पा मा 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 पा गा मा धा नी नी सा। नी नी सा। तो ये हो गया इसका मुखड़ा पाठ, और आगे अंतरा की कुछ लाइनें हम देखते हैं। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, हायर ऑक्टेव के गन नोट से, गा गा रे गा रे सानी सांध सानी साध नी सा 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 सा। चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, गा गा रे सा नी सा ध नी नी सा 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 सा। दिल में तूफान था गा गा रे सा सा, एक अरमान था सेम गा रे सा सा। दिल का तूफान अपनी रवानी पे था गा गा रे सा निसा ध निसा ध निसा सा सा सा। एक बादल उधर से चला झूम के, निसा रे रे निसा रे 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 सा। रे गा रे सा सा। यहाँ पे ग आपको कोमल लगाना है, वहां स्लाइडर की जरूरत पड़ेगी। देखते देखते चांद पर छा गया, नी सा रे 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 सारे गारे सा सा। चांद भी खो गया उसके आगोश में, गा गा रे गा रे सा नी सा धनी सा 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 सा। उफ ये क्या हो गया जोश ही जोश में। फिर उसी तरह से गा गा रे सा नी सा धनी सा 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 सा। मेरा दिल धड़का धा 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 पा मा, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, धा 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 पा मा 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 पा गा मा धा नी नी सा। तो ये मुखड़े से मिल जाएगा। इस तरह से सॉन्ग पूरा हो जाएगा। इसमें कुछ अलाप पार्ट भी है, वो मैंने टच नहीं किया है।
बस ये आप मस्ती के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इतना पीस आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा गीत है ये। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप खुद से इसके बाकी के हिस्से भी आप ट्राई कीजिए, अगर जो लोग थोड़े दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप अपने आप भी एक दो लाइनें निकालने की कोशिश कीजिए जो थोड़े दिन से नोटेशंस के सहारे बजा रहे हैं। तो अल्टीमेट एम तो यही है कि बिना किसी नोटेशंस के आप गाने को सुनकर, उसको उसके नोटेशंस के बिना आप सुनकर ईयर ट्रेनिंग आपकी ऐसी हो जाए कि आप बजा पाएँ, तो अल्टीमेटली उसी ओर बढ़ना चाहिए। तो एक एक लाइन करके, जो सिंपल लाइन्स है वो खुद से आप कोशिश कीजिए गीत के साथ बजाने की, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो चलिए, आज का ये थोड़ा सा अधूरा सा है, लेकिन इतना भी अगर पीस बजाते हैं तो आनंद आएगा आपको। ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आज का लेसन देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अगले लेसन में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।